नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की खबरों से हमेशा जुड़े रहने के लिए नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन मिनिमम पेंशन 2000 नहीं बल्कि 7500 प्लस महंगाई भत्ता। जी हाँ दोस्तों, आ गई ताजा अपडेट। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी खबर को। तो पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी बिजनेस की ओर से लेटेस्ट न्यूज जारी की गई है। डबल पेंशन का विरोध शुरू, ईपीएफओ के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं देश भर के पेंशनर्स। ईपीएफओ ने बुजुर्गों की पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए करने का प्रस्ताव किया है। इसके खिलाफ देश भर के पेंशन एकजुट हो गए हैं। उनका कहना है कि महंगाई के बीच सिर्फ 2000 रुपए पेंशन में उनका गुजारा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने बुजुर्गों की पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए करने का प्रस्ताव किया है। इसके खिलाफ देश भर में पेंशनर्स एकजुट हो गए हैं। उनका कहना है कि महंगाई के बीच सिर्फ 2000 रुपए की पेंशन में उनका गुजारा नहीं होगा। ईपीएफओ को इसे बढ़ाकर 7500 रुपए महीना करना होगा। पेंशन भोगियों की मांग है कि ईपीएफओ 2013 की कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को लागू करें। समिति ने अपनी रिपोर्ट पेंशन की रकम को बढ़ाकर 7000 रुपए करने की सिफारिश की थी। पेंशनरों का कहना है कि उन्हें 5000 रुपए महंगाई भत्ता और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वास्तविक वेतन पर हायर पेंशन भी मिलनी चाहिए। और अगर आप भी इस डिमांड का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मांग जरूर लिखें ताकि आपकी आवाज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँच सके। इन पेंशन भोगियों की डिमांड है कि जो पेंशन भोगी ईपीएस 95 पेंशन के अंतर्गत नहीं आते हैं उनको इस योजना में लाया जाए या उनको मिनिमम पेंशन के तौर पे 5000 रुपए दिए जाएं। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से खबरें आ रही थी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कि मिनिमम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए किया जाएगा, लेकिन पेंशन भोगियों का यहाँ पे कहना है कि उन्हें ये पेंशन बढ़ोतरी मंजूर नहीं होगी क्योंकि इतनी कम पेंशन में गुजारा नहीं होता है। हमें मिनिमम पेंशन के तौर पे 7500 प्लस महंगाई भत्ता भी चाहिए। ऑल इंडिया ईपीएस 95 पेंशन संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि इससे पहले 12 जुलाई को बेंगलुरु, कड्डप्पा, हैदराबाद, मेरठ, आगरा में ईपीएफ पेंशन भोगियों ने ईपीएफ दफ्तरों का घेराव भी किया है और साथ में दिल्ली ईपीएफओ के कार्यालय पर भी धरना प्रदर्शन किया है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों ईपीएफओ की याचिका को खारिज करते हुए 1 अप्रैल को केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें ईपीएस 95 पेंशनर्स को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन देने का आदेश दिया था। तो ये थी एक लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।